नमस्कार, आप देख रहे परमार्थ आवाज। पत्रकार पर हमला व लूट के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने में हाफ रही है हंडिया पुलिस। हंडिया थाना क्षेत्र के ढोकरी गांव में 31 दिसंबर को गांव निवासी पत्रकार राजेश यादव से गांव के ही कुछ लोगों से विवाद हो गया था, जिसमें दबंगों ने राजेश यादव पर तमंचा सटाकर विज्ञापन के लिए ले जा रहे पैसे की लूट की गई थी। दबंगों द्वारा लाठी डंडे से मारा पीटा, जिसमें पत्रकार राजेश यादव को कई जगह चोटें आईं। पत्रकार की तहरीर पर हंडिया थाना में आरोपी सांवरेलाल पटेल, ब्रजेश पटेल, उत्तम पटेल और कमलेश पटेल के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज, लूट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वहीं पुलिस 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी करने में हाँफ रही है। गुरुवार को पत्रकार ने हंडिया पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस की आरोपियों से मिलीभगत है, जिससे आरोपी खुलेआम टहल रहे हैं तथा पत्रकार राजेश यादव को अब भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि सरकार आए दिन पत्रकारों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की बात करती है, लेकिन यहां पत्रकार खुद सुरक्षित नहीं है। मार खाने के बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही। हंडिया पुलिस पर बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। योगी सरकार भले ही बड़े बड़े पत्रकारों की सुरक्षा के लिए दावे करे, सुरक्षा की बात तो दूर, यहां आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। सूबे की सरकार पर पानी फेरने में हंडिया पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। राजेश कुमार यादव, ढोकरी गांव का निवासी हूं और हंडिया में तहसील रिपोर्टर हूं दैनिक हिंदुस्तान का। बीते 31 दिसंबर को मैं इलाहाबाद प्रयागराज ऑफिस से विज्ञापन लेके जा रहा था। रास्ते में सूचना मिली कि कुछ लोग आपका पेड़ काट रहे हैं, जो कि पेड़ पहले से विवादित था। उस पेड़ पर मैंने बहुत पहले ही स्टे ले रखा था। जब मैं बीदा के आसपास पहुंचा हूं, फ़ोन पर सूचना मिली कि आपका पेड़ काटा जा रहा है, तो मैं वहीं से वापस लौटा। मैंने स्टे का आदेश उन लोगों को दिखाया, गांव के लालमन पटेल, ब्रजेश पटेल, उत्तम पटेल और कमलेश पटेल आज को स्टे पेपर दिखाते हुए कहा कि यह गलत है, आप इसको मत काटिए, इस पर स्टे है। वह लोग गाली गलौज करना शुरू किए और दो लोग अज्ञात आए, 7 लोग मिलकर मेरी जम की पिटाई किए। मैंने जो 80,000 रुपये जेब में रखे थे कूपन काट कर, जो ऑफिस में जमा होने थे, वह भी ले लिया और लास्ट में तमंचे से फायर करते हुए भाग निकले और कहा कि अब दोबारा ऐसी इस मामले में आया तुम्हारी हत्या कर दूंगा। इसके बाद पत्रकार साथियों के साथ मैं आया यहाँ पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। इन लोगों के खिलाफ 307, 394 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के पश्चात भी आज तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसमें पता यह चल रहा है कि भाजपा के कुछ सांसद और विधायकों का इस मामले में दबाव है, जिसके कारण पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस बहाने बना रही है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले में जो जांच प्रभारी है, जिनको जांच दी गई है, जिनको चौकी इंचार्ज सैदाबाद, कोई अरुण कुमार मौर्य, आज तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं और आरोपी खुलेआम अब भी धमकियाँ दे रहे हैं। नई जानकारी मिली कि वहाँ उस समय जो है ट्रैक्टर और पेड़ जो है वहाँ से पुलिस वाले पकड़ के चौकी ले आए थे। हाँ, वहाँ से ले आए थे, लेकिन पता ये चला कि रात 2 बजे उसी रात मंगलवार 31 दिसंबर मंगलवार की रात 2 बजे उस ट्रैक्टर को छोड़ दिया गया, जिस पर लकड़ी लदी हुई थी। ये भी जानकारी मिली छुड़ाने के लिए वही लोग आए थे जिनका नाम। हाँ, वो आरोपी ही आए चौकी तक और चौकी से ट्रैक्टर को छुड़ा लेके गए और पुलिस ने कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की। इसे सीधा पता चलता है कि मामले में मिलीभगत है पुलिस का। अब पुलिस मामले में ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस को कुछ रुपए मिल गए हैं घूस के रूप में, जिससे वह कोई कार्रवाई करने से बच रही है।